इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट्स को स्टाइल किस तरह से किया जा सकता है। फॉर्म के अंदर दो सिमेंटिक टैग्स यूज होते हैं, फील्ड सेट एंड लीजेंड। तो हम अपने कोड के अंदर जो कॉलम डिव्स हैं इनको फील्ड सेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जब भी कोई सिमिलर इनपुट एक डिव से रखते हैं तो हम उसे फील्ड सेट कह सकते हैं, और उसका जो भी नेम होता है उसे हम लीजेंड कह सकते हैं। हम बाकियों को फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं ताकि हम मिनिमल इनपुट्स के ऊपर काम कर सकें। अब हमारे पास ये कुछ 5 इनपुट्स हैं और अब हम इनकी स्टाइलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो दिस इज अ फील्ड सेट एंड दिस इज लीजेंड। कुछ इनपुट्स में हमारे पास लेबल मौजूद नहीं है तो हम वो भी ऐड कर देते। अगर मैं देखूं तो इसके अंदर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये मेरी लॉगिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो जो एक्चुअल पर्पस है फील्ड सेट का वो ये है कि हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक बॉक्स के अंदर रखें, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अब आप देखें तो ये ज़्यादा रिलेटेबल है कि मेरे पास एक फील्ड सेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं और दूसरे सेट के अंदर मेरे पास मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। हमने BR टैग्स को रिमूव कर दिया, हमें लास्ट वाले में फील्ड सेट की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अब इसको मजीद प्रॉपर करने के लिए मैं इनपुट टैग को डिस्प्ले ब्लॉक कर देती हूँ ताकि हर एलिमेंट मेरा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इनपुट रेडियो बटन को इनलाइन रखना है, आप इसमें क्लास भी दे सकते हैं और आप इसके अंदर एक कोई स्पेसिफिक इनपुट के लिए भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो क्लास सेलेक्टर्स आपको आते हैं तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम इनपुट सेलेक्टर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो जेंडर है वो मेरे साथ यहाँ आ गया। अच्छा, जेंडर का हमें एक लेबल और देना है, ये मेरा जेंडर लेबल होगा और ये मेरा स्पैन होगा। अब मैं अपने इनपुट्स की विड्थ को सेट करना चाहती हूँ तो मैं इनपुट के अंदर विड्थ
100% रखती हूँ, विड्थ 100% रखने से इसका जो रैपर है उसकी विड्थ को ये गेट कर लेगा। तो ये मेरे पास 100% विड्थ हो गई, लेकिन सेम अप्लाई जो है वो इनपुट रेडियो बटन से भी हो गया है। हमने इसको ऑटो कर दिया तो ये ऑटोमेटिक विड्थ अप्लाई हो गई। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो इनपुट है इनकी जो हाइट है वो भी फिक्स्ड हो, मे बी 25 पिक्सल, और मेरे ये अब इनपुट्स जो हैं उनकी हाइट बढ़ गई है। अगर मैं चाहूँ इनका बॉर्डर जो है वो नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ से मेरा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। बट आपने अक्सर देखा होगा कि बॉर्डर बॉटम होता है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो मैं इसके अंदर इस तरह का बॉर्डर यूज कर सकती हूँ जो मुझे पता चले। ये जो आपको फोकस के बाद ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये आउटलाइन कहलाती है। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे किसी इनपुट के ऊपर फोकस पे ऐसा नहीं आना चाहिए तो मैं इसकी सुडो क्लास यूज करूँगी फोकस, और मैं इसमें आउटलाइन नन कर दूंगी। अच्छा, इसी तरह मैं अगर डिसेबल्ड इनपुट्स का स्टाइल करना चाहती हूँ तो मैं इनपुट डिसेबल का मे बी बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देती हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन सा इनपुट डिसेबल्ड है। मे बी इसका पॉइंटर कर्सर नॉट अलाउड कर देती हूँ, तो इससे और मुझे समझ में आएगा कि ये इनपुट डिसेबल्ड है। अगर मेरा कोई इनपुट रिक्वायर्ड है और मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो फिल्ड है या नहीं, वैलिड है या नहीं, तो मैं उसके लिए इनपुट की सूडो क्लासेस यूज कर सकती हूँ। वैलिड के लिए मे बी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और इनवैलिड के लिए रेड, और अब जब मैं देखूंगी तो मेरे पास जो इनपुट्स मेरे पास वैलिड है वो मुझे ग्रीन नजर आ रहे हैं और जो इनवैलिड है वो मेरे पास रेड नजर आ रहे हैं। तो हमने पासवर्ड को क्योंकि रिक्वायर्ड रखा था तो ये फिल्ड नहीं है, एटली इट मीन्स कि ये इनवैलिड है। ये इनपुट मेरे पास फिल्ड होना रिक्वायर्ड नहीं है तो ये मेरे पास वैलिड है और ये भी वैलिड है। लेकिन अगर मैं इसमें से ईमेल एड्रेस में से एट द रेट रिमूव कर दूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें रन टाइम पे पता चल रहा है कि कौन से इनपुट वैल्यूज जो है वो वैलिड या इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन वी हैव एंटर्ड इन आवर इनपुट टैग्स। अगर मैं रिक्वायर्ड के लिए कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग करना चाहती हूँ तो वो भी मैं रिक्वायर्ड की सूडो क्लास के थ्रू कर सकती हूँ। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन से सिमेंटिक टैग्स फॉर्म्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं और किस तरह से हम सूडो क्लासेस की मदद से फॉर्म को स्टाइल कर सकते हैं। हमने फॉर्म के सिलेक्टर को भी पढ़ा कि हम टाइप के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कि किस तरह से हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड कलर्स के साथ खेल सकते हैं। मज़ीद आप खुद एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच।